अस्सलाम वालेकुम जूनियर थ्री, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर असाइनमेंट, दैट इज़ इन योर बुक पेज नंबर 121, दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन योर असाइनमेंट वर्कशीट्स। सो इट्स योर चॉइस, इट्स बेटर दैट यू विल डू इट इन योर असाइनमेंट, बट वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग इट आई एम यूजिंग द बुक एज वेल। So today we will learn the use of shall and will. One thing you must remember that we use shall when we have to make a wish or we have to make a request, and we use will when we are very sure about doing something. जब हमें ये पता होता है कि ये काम हमने हर सूरत में करना है, ज़रूर ही ज़रूर करना है, देन वी यूज़ विल। बट जब हमने किसी बात की दरख्वास्त करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है या विश करनी होती है, तो वी यूज़ शैल। नाउ विल एंड शैल बोथ आर यूज्ड इन फ्यूचर। व्हेन वी टॉक और राइट अबाउट द फ्यूचर, वी यूज़ विल और शैल विद द वर्ब। वी यूजली यूज़ शैल विद आई और वी, मतलब आई शैल डू दिस वर्क और वी शैल डू दिस वर्क। आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है जब हमने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या विश करनी होती है, बट हम साथ विल भी यूज़ करते हैं इन फ्यूचर्स tenses. So let's do fill in the blanks. This is the last question of this assignment. Fill in the blanks using will or shall. The king dash reward the singer. अब क्या है कि king जो है वो ज़रूर reward करेगा, क्योंकि king है वो ज़रूर reward करेगा singer को, तो we will use will. Number two is the naughty boy dash asks for the teacher's forgiveness. अब forgiveness जो होती है that is माफ़ी मांगना, तो ये एक request होती है, so we will not use will, we are using shall here. The naughty boy shall ask for the teacher's forgiveness. I will wash my clothes in the morning. अब washing करना तो ज़रूरी काम है, तो करना ही करना होता है, so we will use will here. Number four is the children dash finish their homework by 9 PM. अब यहाँ टाइम लिमिट भी आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये काम हमने ज़रूरी ख़त्म करना है 9 PM पर, तो वी विल यूज़ विल हेयर। द चिल्ड्रन विल फिनिश देयर होमवर्क बाई 9 PM. नंबर फाइव इज़ वी डैश वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। यहाँ भी श्योरिटी मिल रही है कि नेक्स्ट वीक में हम ज़रूर ये काम करेंगे, सो वी विल यूज़ will here. We will work on this project from next week. Here we have finished our assignment, so we will do the second assignment later. Till then, Allah Hafiz and take care of yourselves.